सर एक मिनट, एक सेकंड। दोनों की तरफ से विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल हुआ है। देखिए सर, ये मैटर बिल्कुल अलग मैटर है। परसों मेरे पास वो आए थे सिद्धा रोड में, आपको मालूम है कि बड़ा मकान की बहुत सारे दुकानें बनी हुई हैं, बड़े मकान की प्रॉपर्टी से। मैं पिछले 50 सालों से देख रहा हूं वहां पे जो है स्क्रैप का बिजनेस चलता है 50 सालों से। तो लोग जो है अच्छे डिसिप्लिन के साथ जो है काम कर रहे हैं। इनमें और वहां के जो वर्क बोर्ड के जो अथॉरिटीज हैं उनमें थोड़ा डिफरेंसेस हुए, क्योंकि अभी थोड़ा अरियर्स बाकी था। जब वहां पर गए तो जो है वो भी डिसिप्लिन तरीके से जाना था और इनकी बात सुनना था, तो दोनों में थोड़ा झड़प हुई। इसका मतलब कुछ मारदार तो नहीं हुआ, वो भी थोड़ा जोर से बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा जोर से बात कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ फोन वर्ड्स हुआ है। दोनों की तरफ से विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन उनके पास में है। अब रहा बात जो है, हर प्रॉब्लम कानून की रोशनी में हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपस में बैठकर जो है मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, ये ऑप्शन हर इंसान के पास है। तो मैंने जो है, ये एक हमारी कौम का इदारा है, तो उनकी भी हिफाजत हो, जो वहां पर काम कर रहे हैं हमारे वक्फ बोर्ड उनकी भी हिफाजत हो, दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर गलती इनसे हुई हो या उनसे हुई है तो मैं जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत से उनको नसीहत करना, ये मेरा फर्ज आइन है। जो टीम आज आपसे मुलाकात की है, क्या डिमांड्स हैं सर इनकी, क्या क्या है? वो भी कंप्लेंट करे हैं और वक्फ बोर्ड की जानिब से भी कंप्लेंट गया है। डिमांड्स क्या है? मैटर सेटल होना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वक्फ बोर्ड के साथ में, उसको दूर करना। इसलिए मैंने जो है आज वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को भी यहां बुलाया हूं और वहां के लीगल एडवाइजर भी मेरे पास आकर हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इनकी तो मैंने सुना हूं, उनको भी सुनता हूं कि कुछ ना कुछ वाया मीडिया एक हल निकालेंगे। तो हमारा इदारा भी बचना है और ये हमारे जो लोग हैं कम्युनिटी के, इनका भी प्रोटेक्शन होना है। इसलिए ये वाया मीडिया एक नया रास्ता ढूंढकर मेरे तजुर्बे के आधार पर और मेरी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, तो इनकी भी हिफाजत हो, उनकी भी हिफाजत होगी, कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई सत्य चेयरमैन हजरत अल्लाह शाह नबी शाह टेनेंटर मोटर पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन के जानिब से हमारी एक शिकायत थी DWAC मेंबरों के एवज में, उसको लेकर हम यहाँ अपने अजीम साहब के पास आए, चेयरमैन कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के पास। हम अपना जो कुछ दुख था उनको सुनाया। इसी दरमियान में मालूम हुआ कि साहब का और एक टर्म एक्सटेंड हुआ करके, उसके लिए मुबारकबाद भी हमने उनको पेश किया। मैं तेज दिल से उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ, एज वेल एज हमारे स्टेट के CM जिन्होंने इनको एक अच्छे एकदम हाई फाई अच्छे पढ़े लिखे काबिल चेयरमैन को उन्होंने हमारे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन चुना है। इसके लिए भी उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ। पुलिस में डिपार्टमेंट में थे वो, तो जब भी इनका बहुत अच्छा महकमे में नाम था, इनको जो है रॉबिनहुड के नाम से इनको जाना जाता था। एक ऐसे कैंडिडेट को एक ऐसी माइनॉरिटी में जो है फिर से एक टर्म एक्सटेंड करने का, हमें तो बहुत खुशी है। हम इसको बहुत अच्छी तरह उम्मीद है कि इन्होंने जो है हमारी दुकड़ा जो भी हमने सुनाया है उसके ऊपर अच्छी बातचीत करके सुलह करेंगे। क्या क्या बात की है आपसे, क्या भरोसा दिलाई कि उनको इस बात पर बात करेंगे? डिस्ट्रिक्ट वाल वक्फ एडवाइजरी कमेटी के कुछ अहबाब के साथ हमारी कुछ रशाकशी हो गई थी, बहस हो गई थी, बात हो गई थी, तो उस बात के अवज में उनके तरफ से कुछ इल्जाम हम पर लगे हुए थे जिसको हमने हमको नागवार लगे, तो इसके अवज में हमारी उनकी थोड़ी बहस हो गई, बात हो गई। इसकी वजह से उन्होंने हमारे अगेंस्ट में जाके पुलिस में मुकदमा दायर किया, कंप्लेंट दिया, तो हमने भी काउंटर कंप्लेंट दिया है। तो कोर्ट का तो मसला है छो चलता, उसके आवाज में फिर भी ये कौम का मसला है, हंसी मजाक लोगों में लेके आना नहीं है करके हम लोग आके इनके सामने शिकायत रखे। तो उन्होंने वादा किया है कि मैं अभी CEO को बुलाए, CEO भी इधर आए, जस्ट आए, लीगल एक्सपर्ट भी इनका आकर है, मैं यहीं पर बैठ के आउट ऑफ कोर्ट इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, बैठा के बात कर देता हूँ। कहीं हमें उम्मीद है कि हमारा मसला इन्होंने हल करेंगे।
ये चार आदमी आप बात को कल करते हैं, कल से वो हमें भी हमारी कमेटी में हमने घुसा डाला, हमें भी मिलकर करने के लिए उनका बैग गया है। ये चार आदमी आप बात को कल करते हैं, कल से वो हमें भी हमारी कमेटी में हमने घुसा डाला, हमें भी मिलकर करने के लिए उनका बैग गया है। अस्ट स्ट्रांग इला और गवर्नमेंट ऑफिशियल अधिकारे जनरल कंप्लेट तकड़ा गिल आया मत में 10:30 बजे मैंने कंप्लेंट दिया उसका की नहीं इमीडिएटली 10:30 बजे इंस्पेक्टर घर को आपको 10:30 बजे कंप्लेंट लिया। क्या है प्रवेश साहब, आप मिलने का था मेरे रुक रुक नहीं एक काम करो वो का को आओ हुआ तो टाइम नहीं 2 बजे तो मुझे ब्लॉक करवा लेते हैं, क्या भी कर सकते हैं इसके पूरे बदल रस्ते करे जाने स्कीम अपलाना अन्ना तारीफ बेटी गाड़ी बनी इतना बना ली वो क्या की जगह ये क्या की माइन पे और भैया लगा देते तो भैया भैया जान दे दी गलत नहीं 15 मैं क्वेश्चन करती नहीं कोई सा किसान को इंटीग्रेट करे मैं आई एम एन आउटसाइडर आई एम नॉट आंसरेबल टू यू मैं तो मैं क्या करूं बोलो जबकि दूर दूर से मेरा कनेक्शन है उसी जगह उसी जगह करूंगा तुझे फला जगह तुझे वो आज तक इसके पैसे तुम्हें किराया करने में देना कभी अब इनके साथ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल इलाके में है एक सिविल डिस्प्यूट हो सिविल लैंड हो उसके ऊपर किराया 500 आदमी उसके दरमियान आपको कौन की स्ट्रांग इला और गवर्नमेंट ऑफिशियल अधिकारे जनरल कंप्लेंट तकड़ा गिल आया मत में 10:30 बजे मैंने कंप्लेंट दिया उसका की नहीं देखो इमीडिएटली 10:30 बजे इंस्पेक्टर घर को आपको 10:30 बजे कंप्लेंट लिया करे एक सिविल डिस्प्यूट हो सिविल लैंड हो उसके ऊपर किराया 500 आदमी मक्कल हायर एजुकेशन मगळ मदुवे ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.